सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास वैलोरेंट में ये एरर आ रहा है नो इंटरनेट फॉर्म, तो इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आप जो है तो आपको जो यहाँ पर वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मोर नेटवर्क अडैप्टर ऑप्शन के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है यहाँ पर आपको उसको क्लिक कर यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस, तो आपको जो यहाँ पर प्रेफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है और यहाँ पर अल्टरनेट DNS सर्वर में जो आपको इस तरीके से टाइप करना है। टाइप कर आप जो है सिंपल यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लोज कीजिए। फिर इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो यहाँ पर इस तरीके से जो है टाइप कर देना है /etc/dns ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली फ्लश्ड द DNS रिजॉल्वर कैचे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट एग्जिट कर देना है। आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से जो है इस जगह विंडोज 11 में जो है वैलोरेंट का ये एरर जो है रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।